करुणामूलक नौकरियों के प्रावधान से बाहर हो रहे 50% उम्मीदवार, सत्यापन के लिए 2 रुपए भेजकर गवाए 2 लाख। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के रोहड़ू की छोहारा विकासखंड दुर्गम गांव जांगलिख में फाग मेले का आगाज हो गया है। फाग मेला हर वर्ष बसंत ऋतु में देवता साहिब जाग के आह्वान पर किया जाता है। 3 दिवसीय इस लोक उत्सव में देवता साहिब जाग के मंदिर पर बर्फ के गोले दागने की परंपरा मेले का मुख्य आकर्षण रहता है। विशेष रूप से पेछियानी गांव के लोग पारंपरिक वेशभूषा में मंदिर पर बर्फ के गोले फेंककर देवता का अभिनंदन करते हैं। बुधवार को जांगलिख गांव में पारंपरिक फाग मेले का आगाज हो गया है। ग्रामीणों ने पूरी आस्था के साथ बर्फ के गोले मंदिर पर फेंककर देवता का अभिनंदन करने की लोक परंपरा को निभाया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बुधवार को सदन में बजट पर हुई चर्चा के जवाब में विपक्ष को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि 4.5 साल के कार्यकाल में सरकार के खिलाफ एक भी ठोस मामला विपक्ष के पास नहीं है। सरकार ने पूरी पारदर्शिता के साथ काम किया है। विपक्ष जो ख्वाब देख रहा है वे कभी पूरा नहीं होगा। भाजपा दोबारा सूबे की सत्ता संभालेगी। कांग्रेस सदस्य अपने शासनकाल की कोई योजना नहीं गिना सके जो यादगार हो। उन्होंने कहा कि अब विधायक प्राथमिकता योजना में अपने क्षेत्रों में सुरंग का निर्माण का प्रस्ताव भी दे सकेंगे। सरकार आयुष विभाग में 2 डॉक्टरों और फार्मासिस्ट के 100 पद भरेगी। हिमाचल प्रदेश में करुणामूलक नौकरियों के मौजूदा प्रावधान से 50% उम्मीदवार बाहर हो रहे हैं। राज्य सरकार ने प्रति परिवार सदस्य आमदनी की सीमा 62,500 रुपए बरकरार रखकर पेज हटा दिया है। राज्य विधानसभा के मुख्य स्पीकर गेट से करीब 100 मीटर दूर रेलवे बोर्ड बिल्डिंग के पास करुणामूलक नौकरी की मांग कर रहे उम्मीदवारों का बुधवार को इस संबंध में क्रमिक अनशन 233वें दिन में प्रवेश कर गया। वहीं हिमाचल प्रदेश विधानसभा में भी कांग्रेस विधायक रोहित ठाकुर और अनिरुद्ध सिंह ने बजट पर चर्चा के दौरान करुणामूलक नौकरियों के मामले में समाधान नहीं निकल पाने का मामला उठाया। सदन में ये मामला कई अन्य विधायकों ने भी बजट पर चर्चा के दौरान उठाया। प्रदेश में करीब 4500 लोग करुणामूलक नौकरियाँ चाह रहे हैं। इनके माता या पिता की सेवा के दौरान मृत्यु हुई है। नौकरी का झांसा देकर छात्रों द्वारा एक और व्यक्ति को ठगी का शिकार बनाया गया है। इस बार छात्रों ने हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले की नगर परिषद सुंदरनगर के सलाबाट के व्यक्ति को BSF में योग शिक्षक की नौकरी दिलाने का झांसा दिया। पीड़ित को लिंक भेजकर खाते के सत्यापन के लिए 2 रुपए जमा कराने के लिए कहा गया। 2 रुपए ट्रांसफर होने के बाद छात्रों ने पीड़ित के खाते से 2 लाख रुपए उड़ा लिए। बैंक का मैसेज मोबाइल पर आया तो इस धोखाधड़ी का खुलासा हुआ। पीड़ित ने सुंदरनगर थाना में इस मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज करवाई है। गत सप्ताह भी नगर परिषद की सलाहबाड़ निवासी एक व्यक्ति ऑनलाइन ठगी का शिकार होकर 1.99 लाख रुपए गंवा चुका है। ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी महिला कबड्डी की चैंपियन रही हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की टीम ने कोच डॉक्टर गोपाल दास्टा और मैनेजर अमित की अगुवाई में बुधवार को केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात की। अनुराग ने खिलाड़ियों को बधाई दी। मुलाकात में केंद्रीय मंत्री ने हर खिलाड़ी से बात की। प्रदेश में कबड्डी सहित अन्य खेलों को बढ़ावा देने के सुझाव भी मांगे। कैप्टन पुष्पा, बेस्ट डिफेंडर बनी साक्षी, ज्योति, डिंपल, निधि, सुषमा, स्वीटी, भावना, नेहा, अंशुल, आलिशा और हिमानी ने केंद्रीय मंत्री से बात की और सुझाव भी दिए। अनुराग ने कहा कि प्रदेश में खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए एक तरह की सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी और खिलाड़ियों ने केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया कि प्रदेश में खेलों के लिए मूलभूत सुविधाओं को बढ़ाने के साथ ही खिलाड़ियों को दिए जाने वाले एक समान कोटा में अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य में और इससे नीचे के मुकाबलों में मेडल विजेताओं में अंतर तय किया जाए। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में सुबाथ कुनिहार सड़क पर गंभर पुल से बुधवार दोपहर एक कार खड्ड में जा गिरी। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को कब्जे में लिया। जानकारी के मुताबिक सुबाथ के समीप गंभर पुल पर चंडीगढ़ नंबर की कार गंभर की उतराई में अनियंत्रित होकर रेलिंग तोड़ते हुए खड्ड में जा गिरी। हादसे में बहन भाई की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान परीक्षित और अंकिता तारलाखाट के रूप में हुई है। गाड़ी के गिरने की आवाज़ सुनते ही स्थानीय लोग भी मौके पर पहुंचे लेकिन दोनों की मौत हो चुकी थी।
हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति के काजा आइस रिंग के नाम एक और उपलब्धि जुड़ने जा रही है। यहां पहली बार पुरुष वर्ग की राष्ट्रीय आइस हॉकी प्रतियोगिता होने जा रही है। आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से इस बारे में लाहौल स्पीति एसोसिएशन को मेजबानी का पत्र मिल गया है। ये प्रतियोगिता इसी महीने 13 से 20 मार्च तक होगी। आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ लाहौल स्पीति का प्रतिनिधिमंडल इस बारे में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी अभिषेक वर्मा से मिला और इस मेजबानी मिलने की सूचना दी। एडीसी अभिषेक वर्मा ने कहा कि काजा में पुरुष वर्ग की राष्ट्रीय प्रतियोगिता होनी बड़ी बात है। प्रतियोगिता को लेकर प्रशासन की ओर से कोई कमी नहीं रखी जाएगी। पीटरहॉफ में सीएम जयराम की विधायकों से डिनर डिप्लोमेसी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र के दौरान सदन में पिछले कुछ दिनों से चल रहे हंगामे के बीच बुधवार को राज्य तिथिगृह पीटरहॉफ शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विधायकों से डिनर डिप्लोमेसी की। राज्य तिथिगृह पीटरहॉफ शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सभी विधायकों को डिनर करवाया। इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के ही दलों के अधिकांश विधायक शामिल हुए। मुख्यमंत्री की ओर से डिनर करवाने की सूचना विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने सदन में दे दी थी। डिनर पर विधायकों ने आपस में खूब गपशप भी की। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार औद्योगिक क्षेत्रों के लिए रेल संपर्क स्थापित करने का मामला पुरजोर ढंग से उठा रही है। उन्होंने कहा कि परमाणु में 180 बीघा भूमि में एक नया औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किया जाएगा और 200 बीघा अतिरिक्त भूमि शीघ्र ही चिन्हित की जाएगी। भारतीय उद्योग परिसंघ देश का एक प्रतिष्ठित संगठन है जो राज्य के औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित कर रहा है। बुधवार को यहां भारतीय उद्योग परिसंघ के वार्षिक अधिवेशन में उन्होंने कहा कि उद्योग और उद्योगपतियों ने कोविड महामारी के दौरान सराहनीय भूमिका का निर्वहन किया है। उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ने कहा कि राज्य सरकार और उद्योग जगत के मध्य एक सेतु के रूप में प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ आभार जताते हुए कहा कि इससे राज्य में उद्योगों को प्रोत्साहन प्राप्त होता है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में 68 आरसीसी ग्रेव के श्रम शिविर में बुधवार को अचानक आग भड़क गई। आग की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। अस्थायी रूप से लगाए गए 3 शिविर भी जलकर राख हो गए। पुलिस थाना मुरंग के तहत आने वाले आगपा क्षेत्र में अग्निकांड दोपहर को हुआ। पुलिस घटना के कारणों की छानबीन में जुटी हुई है। फौरी जांच में आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस थाना मुरंग से मिली जानकारी के मुताबिक आगपा में ग्रेव के श्रम शिविर में बुधवार दोपहर करीब 2:15 बजे अचानक आग भड़की थी। फिलहाल के लिए बस इतना ही और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ सुपर भारत के साथ।